पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने पिछले दिनों ब्रिटेन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत के साथ व्यापारिक संबंधों की बहाली का संकेत दिया। इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान पड़ोसी देश भारत के साथ व्यापारिक संबंधों की बहाली के लिए गंभीरता से विचार कर रहा है। दोनों देशों के बीच 4.5 साल से भी ज्यादा समय से व्यापार ठप है। डार के बयान को भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के कारोबारी वर्ग ने सकारात्मक पहल बताया है। भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार संबंध उस समय खत्म हो गए थे जब 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया था। कश्मीर के विवाद की वजह से दोनों देशों के कूटनीतिक और व्यापारिक संबंध प्रभावित होते रहे हैं, लेकिन अनुच्छेद 370 की समाप्ति अकेली घटना नहीं है जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार ठप हुआ हो। आर्थिक मामलों के जानकार डॉक्टर इकराम उल हक कहते हैं कि पहले भी दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार राजनीति और कूटनीतिक विवादों का शिकार हुआ है। उन्होंने सन 2008 के मुंबई हमले और सन 1999 में कारगिल युद्ध की बात की। हालांकि इसके बाद भी अलग अलग समय में व्यापारिक संबंध बहाल होते रहे हैं। डॉक्टर उज्मा जिया पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था की सीनियर रिसर्चर हैं। उनका कहना है कि राजनीतिक विवादों से पैदा होने वाले व्यापारिक संकट से निपटने में दोनों देशों ने बहुत कम दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि विदेश मंत्री इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तानी व्यापारी भारत के साथ व्यापार के इच्छुक हैं, लेकिन इसके बावजूद इसमें कई चुनौतियां हैं। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साकिब फयाज ने कहा कि भारत की ओर से पाकिस्तानी सामान पर बहुत ज्यादा नॉन टैरिफ बैरियर्स लगे हुए हैं। वो कहते हैं इसकी वजह से पाकिस्तानी सामान को भी भारतीय मंडियों तक ले जाना बहुत मुश्किल होता है और उन्हें वहां बेचना एक बहुत बड़ी चुनौती है। नॉन टैरिफ बैरियर्स में गैर जरूरी लाइसेंसिंग, कस्टम क्लियरेंस की जरूरतें, सख्त वीजा पॉलिसी और सीमा पर क्लियरेंस के लिए लगने वाला लंबा समय भी शामिल है। व्यापारिक मामलों के विशेषज्ञ इकबाल ताबिश का इस बारे में कहना है कि दोनों देशों के बीच सबसे बड़ी समस्या आर्थिक मामलों को राजनीतिक दृष्टि से देखना है। वो कहते हैं पाकिस्तान में इसे सियासी नजर से देखा गया है, जबकि ये पूरी तरह से एक आर्थिक मामला है। इसमें दो देश एक दूसरे के यहाँ अपने प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए टैरिफ और नॉन टैरिफ रुकावटों को दूर करने की सुविधा देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं सोचा जाता। विदेश मंत्री के बयान के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या अब दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध बहाल हो पाएंगे। इस सवाल पर अर्थव्यवस्था और कूटनीति के विशेषज्ञ अलग अलग राय रखते हैं। आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर इकराम उल हक के अनुसार अगर विदेश मंत्री की ओर से ये बयान दिया गया है तो इसका मतलब यही है कि सत्ता के गलियारों में इस बारे में सोचा जा रहा है, क्योंकि विदेश मंत्री की ओर से सोच समझकर ही ऐसा बयान दिया जाता है। वो कहते हैं ऐसा लगता है कि सर्वोच्च स्तर पर ये समझ मौजूद है कि भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को बहाल किया जाए, लेकिन दिल्ली में रह चुके पूर्व पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित की राय है कि इसहाक डार ने गलत समय पर यह बयान दिया है जिससे भविष्य में पाकिस्तान की बार्गेनिंग पोजीशन कमजोर हुई। अब्दुल बासित का कहना है कि इस मामले पर न तो कैबिनेट में चर्चा हुई और न ही संसद में। उनका कहना है कि राष्ट्रीय असेंबली की विदेश मामलों की कमेटी भी अभी तक नहीं बनी है। उनकी राय है कि पाकिस्तान को भारत के साथ व्यापार से कोई विशेष फायदा भी नहीं मिलता, क्योंकि व्यापार का संतुलन हमेशा भारत की ओर झुका रहा है। अब तक भारत के विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर BBC के सवालों का जवाब नहीं दिया है, लेकिन शनिवार को सिंगापुर के एक प्रोग्राम में भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंधों के बारे में एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत का स्टैंड ये है कि आतंकवाद के मामले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इधर अमृतसर स्थित कॉन्फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष अशोक सेठी ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार के बयान का स्वागत किया है। अमृतसर की सीमा पाकिस्तान से मिलती है और पड़ोसी देश के साथ व्यापार के लिए वहां एक व्यापारिक केंद्र भी है।